कोई नहीं रहा उसके बाद प्रॉमिस प्रॉमिस चलो आई वन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ईयर बहुत अच्छा लगता है और एक्चुअली मैं वही कह रहा था कि जैसे जब ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होती है मेरी पूरी टीम के लिए होती है जो साल भर काम करती है मेरे साथ एंड फॉर एवरी वन एक्चुअली या आई मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया इस अवार्ड में और इनफैक्ट राज नायक कलर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया मैं उनको अभी वही कह रहा था कि हमारे फिल्म अवार्ड्स को ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही फंक्शन करना चाहिए और बहुत ही प्रेस्टिजियस था क्योंकि जूरी जिस तरीके की थी और जिस तरीके के लोग अंदर थे तो दिस मीन्स अ लॉट मेरे लिए आई कैन रिवील ये कौन सी फिल्म का लुक है आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा वो थोड़ी बहुत लगी थी बट जॉन के साथ काम कर रहा था तो बहुत मज़ा आया क्योंकि जॉन इज़ अ प्रॉपर एक्शन हीरो तो बहुत मदद मिली उनसे पर जिस तरीके के स्टंट्स हम लोग ने किए डिशों में उसके मामले में बहुत कम लगा है मुझे बट डेफिनेटली देर आर सम डेड एवल एक्साइटिंग स्टंट्स टाइम है अभी जुलाई 29 को एंड यू विल सी दिस ट्रेलर एंड आई थिंक आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो हाँ जी अवार्ड जीता हो तो इसलिए फॉर्मल्स पहनना पड़ा मुझे हाँ जी हाँ जी मैंने ट्रेलर देखी है मुझे काफ़ी पसंद आई थी एंड 18 मार्च को रिलीज़ हो रही है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट करण जौहर की पिक्चर है तो और भी स्पेशल है मेरे लिए डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम हाँ जी आई हैव नो आइडिया मैं कुछ और कर रहा हूँ धर्मा के साथ बट मेरे हिसाब से न्यू कमर्स को लॉन्च होना चाहिए सो आई गेस आई होप करण नए चेहरों को लॉन्च करेंगे मेरे हिसाब से अर्जुन टीचर ऑफ द ईयर है वो स्टूडेंट नहीं रहे वो लोगों को सिखा सकते हैं अच्छा अच्छा किसके बारे में जुड़वा के बारे में आप मेरे जुड़वे से पूछना जुड़वा टू के बारे में आप मेरे जुड़वा से पूछना है कहाँ बहुत टाइम है किसके साथ नहीं नॉट एट ऑल दैट्स रॉन्ग रोहित शेट्टी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके एंड आई थिंक इज वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट स्क्रिप्ट एंड बहुत अच्छे पिक्चर बनाते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है उनकी पिक्चर देख के सो या आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम एज अ डायरेक्टर स्टिल लव हिम थैंक यू थैंक यू Thank you.
भाई सो हो चुके हैं यार गोल्डन टर्टल। हाँ क्या भाई से बोलो वेल बस लुकिंग फॉर द सेकेंड सीजन 24 ऑन कलर्स एंड बस फिंगर्स क्रॉस द सेकेंड सीजन होपफुली विल बी बेटर देन द फर्स्ट। बस मैं यही कहूँगा कि जो दूसरा सीजन होगा मुझे लगता है कि पहले सीजन से हमने तो पूरी कोशिश की है कि पहले सीजन से बेहतर हो बड़ा हो और धमाकेदार हो। आई थिंक यू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम एंड दिस शो सेकेंड सीजन इज बीन अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स न्यू कैरेक्टर्स विच वी आर एडिंग। हाँ सुरीन चावला जी हैं और सिकंदर खेर इज गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज एंड आशीष विद्यार्थी आपने आशीष को काफ़ी फिल्मों में देखा होगा पर इस 24 में ये सीजन में आई थिंक ही विल बी अ यू नो ही इज गोइंग टू बी सरप्राइज एंड ऑफ कोर्स सिकंदर खेर यू सॉ हिम इन द तेरे बिन लादेन आई थिंक ही वाज द बेस्ट थिंग इन दैट फिल्म एंड इन 24 ही गॉट अ ग्रेट रोल। There was one white hair over here, so I was trying to correct through my trimmer.
mistake. I so this is why I told my guy to cut it off and everything, and that's why I changed my hairstyle, and I had to go through that. Otherwise, there was no. I was not thinking to change my hairstyle. Thank you.
तो बोलिएगा
बात करो देश के, इनके बारे में बात करो तो
को नहीं मिलता बाबा को भी
मैं मिस करता हूँ और लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेक्सटिंग मी अबाउट जैन बट नाउ दे गोना लव अदर्स Well, it's a very simple two-button dark blue suit, which I love. So it's a very basic suit, and I just love being basic. Let's see. I mean, so far, I honestly have no plans for Holi right now. I hope I'm not shooting that day, so I can go and play with my family because our shoot Delhi mein ho raha hai. So, bahut maza aa raha hai. And let's see how it goes. Please, happy Holi in advance to all of you guys and please watch the release on Star Plus 10:30 PM on 14th March. Thank you. Summer's finally here, summer aa gaya, so I thought let me be summer appropriate and it's a really cool jacket here, so I thought let me just try it on. First of all, yaar, aaj interview tum lead kar rahe ho, kya baat hai yaar, congratulations. Kya colors ke saath mera kaafi lamba association raha hai, you know, maine chala kiya tha ek aad kaafi kuch kaam bhi kiya saath mein and more importantly ek friendship badi achhi colors and puri colors ki team ke saath so it always feels nice to be here at their birthday parties. Fiction show par aap mujhe kab dekhenge? Holi clearly mujhe aaj jiska maine kapde pehne hain to bahut hi zyada pasand hai but ab Holi acha lagta hai, mazaa aata hai colors ke saath khelna, together with your family, together with your friends. But ab jo nahana padta na Holi ke baad usme maza nahi aata, so that's why I'm waiting. But sabko Holi ki bahut bahut shubhkamnaen, sabko Holi ki bahut bahut shubhkamnaen. Be safe, don't mess up with colors, use organic colors, ladkiyon ko mat chhedna. Well, definitely, I think her acting age, I think she'll be very good. Let's see how it goes.